नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान ए जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में हैं। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो चल रहा है। मोदी के साथ यूएई के राष्ट्रपति भी हैं। एयरपोर्ट पर मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद को रिसीव किया, उनकी अगवानी की और फिर दोनों साथ साथ जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप रोड शो का नजारा इस वक्त, ये सीधा प्रसारण इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और साथ में यूएई के राष्ट्रपति, और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में सड़क पर दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए तैयार। वहां पर वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, उसका उद्घाटन वो करने वाले हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस रोड शो के साथ साथ, वो भी चल रहे हैं। अंकित, बिल्कुल अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है यूएई के क्राउन प्रिंस का और यहाँ पर जो है वो एक तरह से स्वागत, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने नहीं स्वागत किया बल्कि गुजरात के तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं और फिलहाल अब ये रोड शो खत्म होने की कगार पर है क्योंकि करीबन 3 किलोमीटर लंबा रोड शो और प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से आगे बढ़ चुका है इंदिरा ब्रिज की तरफ। और मोहम्मद बिन जायद के लिए निश्चित तौर पर ये एक अलग अनुभव रहा है, जो कि यूएई के क्राउन प्रिंस है, वहां के राष्ट्रपति है और उनके स्वागत के लिए ये तमाम इंतजाम किए गए थे। और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उसकी अपनी महत्ता है। महत्ता क्या है? वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात जिसकी प्रधानमंत्री ने साल 2003 में की थी जब वो जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब उसको जो है उसके 20 साल हो गए हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने अपने मित्र का, उन्होंने साफ तौर पर कहा मेरे भाई के समान जो ये यूएई के राष्ट्रपति है वो यहां पर पहुंच रहे हैं और इसी वजह से ये तमाम इंतजाम किए गए हैं यहां पर अहमदाबाद की सड़कों पर। जहां जहां से प्रधानमंत्री का ये काफिला गुजर रहा है हर तरफ लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं और हर जगह आपको ऐसे पोस्टर और होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं जहां पर साफ तौर पर लॉन्ग लिव इंडिया यूएई फ्रेंडशिप जिसका जिक्र किया गया है। और भारत और यूएई की जो दोस्ती की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि पिछले 10 सालों में, यानी कि मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकालों के दौरान, जितनी ज्यादा जो नजदीकियां बढ़ी हैं उतनी इससे पहले कभी नहीं थी। और इसी वजह से ये जो दौरा है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी अब से कुछ देर बाद, अब से करीबन 1 घंटे बाद जो बायलेटरल मीट होगी यानी कि द्विपक्षीय वार्ता होगी यूएई के प्रेसिडेंट और क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, तो वो काफी अहम होगी। काफी सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी, काफी सारे जो है अहम समझौते हो सकते हैं और ऐसे समझौते होंगे जो हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को मुमकिन है कि नागवार गुजरे क्योंकि G20 के दौरान भी जिस तरीके से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई थी यूएई उसमें एक बड़ा पार्टनर के तौर पर सामने आया, तो वो भी जो है ये जो पड़ोसी मुल्क है चीन और पाकिस्तान उनको जो अच्छा नहीं लगा था। और एक बार फिर अब किस, ये तो प्रधानमंत्री के गृह राज्य में है और जब प्रधानमंत्री अंकित तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन जरा ये भी बताइए शेख मोहम्मद बिन जायद का इस रोड शो में हिस्सा लेना प्रधानमंत्री मोदी के साथ, इसके जरिए कुछ खास संकेत भी देने का प्रयास किया जा रहा है, इसके क्या मायने निकाले हम? देखिए, साफ तौर पर मोहम्मद बिन जायद इससे पहले भी आए हैं भारत, ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से वो यहां पर पहुंचे और उनका स्वागत किया गया है, हमको भूलना नहीं होगा G20 में जब जो है मोहम्मद बिन जायद पहुंचे थे तो उनकी जो खास तौर पर अगवानी की गई थी और उनको जो है जो इम्पोर्टेंस मिली थी वो अपने आप में वो तस्वीरें काफी अहम थी। कहा यही जा रहा था कि क्या ये भारत और यूएई की जो दोस्ती है ये उसी की एक तस्वीर है। और आज की तस्वीरें यकीन मानिए पूरा जो अहमदाबाद शहर का वो इलाका जो कि अहमदाबाद से गांधीनगर की तरफ जाता है जहां पर ये वाइब्रेंट गुजरात की ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। हर्षवर्धन जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जरा उनका मैं रुख करना चाहूंगा। हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं कुछ इस अंदाज में, शेख मोहम्मद बिन जायद का प्रधानमंत्री के साथ गुजरात की सड़क पर यूं जाना, इस रोड शो में हिस्सा लेना? देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्टेटमेंट देना होता है वो बहुत खूबसूरती से देते हैं। आज गांधीनगर में, अहमदाबाद में जब वो शेख मोहम्मद बिन अल नाहयान के साथ हैं तो ये संदेश सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो एक वाइब्रेंट गुजरात समिट में निवेश के लिए आए, ये दुनिया को एक संदेश है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में लगातार जो देश के लोगों की भागीदारी है, हिस्सेदारी, वो बढ़ती है,
जो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक, एक तरह से कहें कि मुस्लिमों के लिहाज से भी ये दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, वहां पर जब यूएई के शासक आते हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो करते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के तौर पर, सभी का यहां किस तरह का सम्मान है उसके तौर पर, और जिसको बार बार कहा जाता है कि भारत में किस तरह का माहौल है, किस तरह का वातावरण है, उसको भी खारिज करता है और वो बताता है कि भारत का लोकतंत्र, भारत में निवेश की संभावना है और भारत में सामाजिक सौहार्द वो कितना जबरदस्त है। और मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, संकेतों के माध्यम से बहुत कुछ कहने का प्रयास किया भी जा रहा है, इसके तमाम मायने मतलब आने वाले दिनों में निकाले भी जाएंगे। इस पर आगे मैं आपसे बातचीत करूं, उससे पहले लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं जो इस रोड शो में वहां पर अभिवादन के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन के लिए, स्वागत के लिए खड़े हैं, अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी उनसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर जो लोग जो स्वागत के लिए पहुंचे थे उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप तो इंडिया यूएई फ्रेंडशिप का जो है पूरा तिरंगा रंग करके आ गए हैं, ये बताइए कि इस रोड शो की महत्ता क्या है, क्या अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी जब भी गुजरात आते हैं इसी तरीके स्वागत होता है। मैं इसी तरह स्वागत करता हूं, जब भी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी आए तभी भी मैं ऐसे पेंटिंग करके आया था, तभी मैं एक मैसेज दिया था भाई यू इंडिया इंडिया और अमेरिका अच्छी दोस्ती रहे और यूए और इंडिया की अभी अच्छी दोस्ती रहे, मैं इसलिए वेलकम करने हर बार आता हूं। वेलकम करने के लिए आए। कई और लोग हैं जो यहाँ पर नाच रहे थे, गा रहे थे, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आज जो है जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो यूएई के क्राउन प्रिंस जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो उनके साथ थे, क्या अलग मैसेज? भारत तरक्की के रास्ते पर है, अच्छे अच्छे धनाढ्य देश अब मोदी जी के साथ आ रहे हैं और हमारे लिए गोल्डन डेज आने वाले हैं। और यूएई के लिए तो कहा जाता है कि एक जो पावरफुल कंट्री, इस्लामिक पावरफुल कंट्री, तो ये भी अपने आप में एक मैसेज जी। तो ये बताइए आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या माहौल रहा है? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद ये नहीं मतलब होगा कि यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी को देखा? ये बताइए यूएई के क्राउन प्रिंस इस बार यहाँ पर है जो राष्ट्रपति है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी आए हैं और चीन के राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार क्या खास? इस बार खास ये है कि बहुत सारी पब्लिक उनको देखने, ऐसी पब्लिक आ रही थी पूरा यहाँ से एयरपोर्ट से गांधीनगर तक चक्का जाम कर दिया, यूएई को देखने गए आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी को। ये समझ में आ रहा है कि यूएई के साथ जो है आज का रोड शो क्यों इम्पोर्टेंट है? ये समझ में आ रहा है? ये भारत की डिप्लोमेसी है, विदेश नीति है, इसके लिए इसके हिसाब से यूएई, अभी मोदी जी भी 14 तारीख को जा रहे हैं यूएई, तो इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत ही अच्छी है। नाम है आपका? हितेश। हितेश भाई आपसे ये जानना चाहूंगा कि यूएई को लेकर के कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट जो है पावरफुल जो है इस्लामिक कंट्री है, तो वो भी अपने आप में मायने रखता है कि एक इस्लामिक देश का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर। तो मोदी जी ने जो उनकी विदेश नीति के हिसाब से अच्छे संबंध बनाए हैं शेख के साथ, और जो यहाँ अच्छे संबंध होने के चलते क्या है कि ये अपना जो विजिट हो रहा है इसमें क्या है कि वो देखे हैं गल्फ जा करके के वहाँ पे किस तरह सिचुएशन है, उस सिचुएशन के इधर ढालना चाहते हैं, इसलिए क्या है इतना उसको क्या किया एक फेस्टिवल की तरह उसको क्या किया पूरा सजाए हैं अहमदाबाद को, पूरा अहमदाबाद को सजाए हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज और अखिलेश मैं जिक्र करना चाहूंगा, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों को मैं ढूंढ सकूँ, बहुत बड़ी संख्या जो मुस्लिम युवक थे वो यहाँ पर आए हुए थे और वो भी उसी शिरकत के साथ में उनका स्वागत कर रहे थे, और अभी भी यहाँ पर लोग जो जुटे हुए हैं वो उनको देखे, फिर मैं बता रहा हूँ कि भले ही बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक नॉलेज ना हो या उनको बहुत ज्यादा जो है कूटनीतिक और राजनीतिक विषयों पर जो है जानकारी ना हो, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि प्रधानमंत्री जब भी अपने जो है किसी दोस्त को लेकर के, अपने किसी गेस्ट को लेकर के यहाँ पर आते हैं तो किस तरीके से उत्सव करना है, और यहाँ पर वो मेहमान आप उन लोगों को ढूंढिए जिनका आप जिक्र कर रहे थे, उनसे भी आप बातचीत करिएगा, मैं बस कुछ ही देर के बाद दोबारा आपके पास लौटूंगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों के सामने, ये जो हम सीधा प्रसारण रख रहे हैं, हर्षवर्धन जी से इसी पर एक कमेंट चाहता हूं। हर्षवर्धन जी, ये वही गुजरात की सड़क है जहां पर मुसलमानों के साथ भेदभाव के तमाम आरोप लगे, नरेंद्र मोदी को तमाम लोगों ने कटघरे में खड़ा किया विपक्ष ने, लेकिन आज जरा देखिए यूएई के राष्ट्रपति उनके साथ कुछ इस अंदाज में वहां पर रोड शो करते हुए दिख रहे हैं। देखिए अखिलेश, मैं आपको याद दिलाऊं, इसके पहले जब जापान के राष्ट्राध्यक्ष आए थे तब भी उन्हें जो एक वहां सीधी की जाली, जो बहुत मशहूर जगह है, जो एक तरह से कहें कि मुगल आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना है, वहां लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे।
इसके अलावा भी अगर आप ध्यान से देखें तो निवेश के तौर पर यूएई और भारत के बीच में पार्टनरशिप इस बात को बताती है कि वहां की कंपनियों को भारत में निवेश करने में कोई ऐतराज नहीं, यहां की कंपनियों को कोई ऐतराज नहीं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात जो जिसको हम कहते हैं कि एफडीआई का एक गेटवे है भारत के लिए, और दूसरे राज्यों ने वाइब्रेंट गुजरात शुरू होने के बाद ही एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाया कि हमारे यहां भी इस तरह का निवेश आना चाहिए। और यूएई में पहला हिंदू मंदिर भी बन रहा है, यानी भारत और यूएई के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं वो आपसी सामंजस्य, एक दूसरे को समझते हुए, और जो सबसे बड़ी बात, सामाजिक सौहार्द उसकी बुनियाद में है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो साफ साफ दिख रही है। और वहां जो कार्यक्रम हर्षवर्धन जी होने जा रहा है उसका तो नाम ही दिया गया है हेलो मोदी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, और देखिए मैं मतलब मुझे लगता है कि ये बात हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो राजनीतिक नफे नुकसान के लिए बार बार दो लोगों के बीच में, दो समाज के बीच में, और हम ये कहते हैं ना, बार बार हम कहते हैं कि दुनिया में जो भी किसी तरह की कोई पंथ है, कोई उपासना पद्धति, वो भारत में है, जीवित है, और बड़ा वो बार बार हम कहते हैं उसको भी गर्व से कि जो इस्लामिक मुल्कों में भी है, इस्लाम के जितने फिरके हैं सब नहीं है लेकिन भारत में है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम विविधता में एकता वाले देश हैं, हम अनेकता में एकता वाले देश हैं, लेकिन भारत की एकता अखंडता के खिलाफ जब कोई बात करता है तो उसको जवाब देना पड़ता है, फिर वो आतंकवाद हो या जो दूसरी चीजें, भारत बिल्कुल। के मुसलमान और भारत में होने वाली आतंकवाद। और जरा मैं रोक रहा हूँ हर्षवर्धन जी, आपको एक बार फिर से चलते हैं अंकित गुप्ता के पास, वहीं पर अंकित मौजूद हैं, कई लोग उनसे बात करना चाह रहे हैं। अंकित जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि आज यूएई के क्राउन प्रिंस जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आए हैं, इससे पहले तमाम राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं, लेकिन आज की यात्रा अलग कैसे? यूएई के प्रेसिडेंट भारत में आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री खुद उनको लेने आते हैं, तो गुजरात की जनता भारत के प्रधानमंत्री की गुजरात है, खुद का गुजरात है, तो गुजरात की प्रधानमंत्री के साथ पूरी प्रधानमंत्री के साथ है, इसीलिए प्रधानमंत्री जो यूएई के प्रेसिडेंट को लेने आए तो प्रधानमंत्री के साथ सभी लोग स्वागत में खड़े हैं। सभी लोग स्वागत के लिए तो है, लेकिन ये यात्रा, आज का रोड शो इतना इम्पोर्टेंट क्यों आपके लिहाज से? क्यों रोड शो इसलिए इम्पोर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन नहीं, अंदर नरेंद्र मोदी जी का राज में नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री, खुद उनका यूएई प्रधानमंत्री, जब भी जो कोई स्टेट गेस्ट आता है तो ये बताइए, आप लोग तो यूथ है, आज यूएई के क्राउन प्रिंस के साथ में जो उनके प्रेसिडेंट है उनको रिसीव किया, पीएम ने रोड शो किया है, क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली में जो ये वाइब्रेंट गुजरात आज अभी जो डेवलप हो रहा है हमारा गुजरात, विश्व भर में अभी गुजरात में कोई भी क्षेत्र में आप जाओ तो गुजरात अव्वल नंबर वन है, और यही जो वाइब्रेंट गुजरात का आज यहाँ पे जो आयोजन किया हुआ है उसी के लिए ये सब इनविटेशन किया गया है। जी जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये हमारे मोदी जी यहाँ पर आए, हमारा सौभाग्य है, भले हमने उनको नहीं देखा, लेकिन नहीं देख पाए, नहीं देख पाए, फिर भी दिलों में आज उनका के लिए स्वागत के लिए। जी जी, बताइए, ये बताइए कि यूएई के जो क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए हुए हैं, उनके जो राष्ट्रपति यूएई के, उनके साथ ये रोड शो क्यों अलग है, क्या इम्पोर्टेंट? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी वाइब्रेंट अभी इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और जो वाइब्रेंट के अंदर जो ये मेहमान जो गेस्ट अपने है जो शेख, वो बहुत ही तरीके से इंडिया को आगे लेने वाले हैं। एक बड़ा इस्लामिक मुल्क है, उसका राष्ट्राध्यक्ष के साथ में गुजरात की सड़कों पर पीएम का होना, क्या मैसेज तो जो नरेंद्र मोदी जो है सबको साथ में लेके चलते हुए, और सबका साथ और सबका जो विकास जो इसका स्लोगन है, ये बिल्कुल होता है इसका। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में महिला भी है, पीएम को देख पाए आप लोग? क्या क्या अनुभव रहा है? इससे पहले भी पीएम तो यहाँ जब भी आते हैं आप लोग ऐसे स्वागत करते हैं, आज क्या अलग था? तीन चार घंटे हम खड़े रहे, लेकिन जब पीएम आए ना तो सब उत्साह में आ गए और मजा आप लोगों ने एंजॉय क्या, कैसे स्वागत किया? अगर कुछ गाना गीत या नाच कर दिखा दे। देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, फिर मैं वो वही दोहरा रहा हूँ ना कि उनको मतलब ये है कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में एक मेहमान आ रहा है, और मेहमान का स्वागत कैसे करना है वो ये लोग बखूबी जानते हैं, और इसी वजह से तमाम मेहमान आते हैं इससे पहले भी और आगे भी आते रहेंगे। और गुजरात के लोगों की यही जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उनकी एक शख्सियत है कि जब भी कोई मेहमान आएगा तो सड़कों पर जुटेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और उसका स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल, अद्भुत उत्साह, उमंग का माहौल नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह रोड शो हमारे दर्शकों ने देखा।
विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तीन दिनों से मंथन चल रहा है। आज महाराष्ट्र के घटक दल के साथ कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक से जो खबर निकली है वो ये कि कांग्रेस ने चला है दांव और शिवसेना को दिया है भाव। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और सहयोगी दलों की मीटिंग का तीसरा दिन महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर कांग्रेस के साथ चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की 48 में से 20 सीटों पर कांग्रेस, 20 सीटों पर ही शिवसेना उद्धव गुट, 6 पर एनसीपी और 2 सीट पर वंचित बहुजन अघाड़ी के लड़ने की चर्चा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं मेरिट के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। कोई अभी तक कुछ फाइनल होगा, फाइनल होगा तब बड़े नेता आपको आके बताएंगे। महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग होगा वो मेरिट के आधार पे होगा और बीजेपी को वहाँ हम महाविकास अघाड़ी करके परास्त करना है और उसके लिए हमारा पूरा प्लान तैयार हो गया। किसको जगह ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है वो इश्यू हमारे महाविकास अघाड़ी में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। माना जा रहा है शिवसेना में टूट के बाद भी समर्थकों की संख्या उद्धव गुट के पास ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस उद्धव गुट को ज्यादा भाव देना चाहती है। जबकि अजीत पवार के अलग होने से एनसीपी में नेताओं की संख्या कम बची है, इसलिए रणनीति ये है कि एनसीपी को कम सीटों के लिए तैयार किया जाए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत कह रहे हैं तीनों दलों को एक दूसरे की खूबी और खामी का पता है, लिहाजा सीट बंटवारे में समस्या नहीं होगी। तीनों भी जानते कि एक दूसरे की ताकत क्या है, महाराष्ट्र में कैसे जाना है और बराबर वो वहाँ सबसे पहले अगर गठबंधन का होगा तो इंडिया का महाराष्ट्र में होगा, इतना ध्यान रखें। महाराष्ट्र के गठबंधन में कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर को साथ लेकर चलना चाहती है ताकि दलित वोटर्स को साथ रखा जा सके। माना जा रहा है इसके लिए बाकी सहयोगी दल भी राजी हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, हालांकि बाद में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। लेकिन साल 2022 में शिवसेना टूट गई और महाविकास अघाड़ी सरकार बाहर हो गई। अब पहली बार है जब शिवसेना महाविकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रही है। इस खबर पर दीपक रावत ने लगातार नजर बनाकर रखी है, हमारे सहयोगी ने, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। दीपक, ये सीट शेयरिंग को लेकर वहां महाराष्ट्र में क्या ये फॉर्मूला डन हो गया है या अभी भी इसमें कई पेच है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? अखिलेश, करीबन 4 बजे के आसपास मीटिंग की शुरुआत हुई थी और 2-2.5 घंटे का वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक बैठक खत्म नहीं हुई। हालांकि बैठक के बीच में से एनसीपी से जितेंद्र आवाण बाहर आए और उन्होंने ये जानकारी दी कि अभी भी बैठक चल रही है और बैठक में जो बातें चल रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव साइड से चल रही है, यानी कि तीनों दल जो कि एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस, तीनों दल जो मौजूद हैं वो ये चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से हो जिससे कि ज़्यादा नुकसान किसी को नजर ना आए। ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी कि शिवसेना को उतनी ज़्यादा सीटें देने के लिए कांग्रेस इसलिए तैयार हो गई है क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद वाला जो कार्ड है जो बीजेपी खेल रही है उस कार्ड का काउंटर जो है वो कर सकें। सीधे तौर पर एक और बड़ी खबर इस पूरी मीटिंग से निकल कर आई है अखिलेश कि शिवसेना को अपर हैंड भी दे सकती है कांग्रेस, यानी कि एक सीट ज़्यादा भी दे सकती है, इसको लेकर भी बातचीत चल रही है। हालांकि इस बात को लेकर एनसीपी को भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दिक्कत यहां पर आ सकती है कि अगर बराबर जैसे कि 20-20 सीटों का जो आंकड़ा बन रहा है अगर वो आंकड़ा बनता है तो एनसीपी के खाते में ज्यादा सीटें बचेंगी नहीं क्योंकि 2 सीटें बहुजन अघाड़ी पार्टी भी मांगेगी और उनको भी देने के लिए एनसीपी ने कहा है, खुद एनसीपी ने पैरवी की है। तो ऐसे में ये जो फॉर्मूला बनेगा उसमें एनसीपी की सीटें थोड़ी कम हो जाएंगी लेकिन ऐसे में माना यह जा रहा है कि कुछ इस फॉर्मूले पर विचार चल रहा है कि एनसीपी को भी काफी कम नजर ना आए, उनकी भी सीटें बढ़ जाए तो कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए कि तीनों के पास लमसम बराबर सीटें हों लेकिन जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना गुट है उसके पास अपर हैंड हो, उसके पास एक या 2 सीट ज्यादा हो ताकि वहां पर वो ज्यादा प्रभाव डाल सके। मतलब बड़े भाई वाली भूमिका में उद्धव ठाकरे वहां रहना चाहते हैं ऐसा लग रहा है दीपक।
जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़े भाई की भूमिका में शिवसेना रह सकती है। इस तरह इसके संकेत जो है लगातार इस बैठक से निकल कर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जितेंद्र नवाण भी बोल कर गए हैं, उनका ये कहना है कि इस पर एनसीपी को भी कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कांग्रेस को भी कोई दिक्कत नहीं है, और शिवसेना तो पहले से ही मांग रही थी, शिवसेना तो 23 सीटों की बात कर रही थी, लेकिन नजर बनाकर रखिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।